सच्ची बात जो कोई सुनना नहीं चाहता। राजस्थान में रॉयल फैमिली पूरे राजस्थान में, बीकानेर की बात कर लो, जोधपुर की बात कर लो, जयपुर की बात कर लो, उदयपुर की बात करो, अलवर की बात करो, कोटा की बात करो, जहां मर्जी राजस्थान में बात कर लो, रॉयल फैमिली तो भरा पड़ा है सब। उसके बाद में ठिकानेदार भरे पड़े, बड़ा नाम, बड़ी चीजें, बड़ा रुतबा, क्योंकि भैया होना भी चाहिए, राजा थे, इन्हीं की फैमिली से राजा थे, यही लोग तो राज करते थे। लेकिन मजे की बात, जो सब्जेक्ट जो आपके सामने लेके आए हैं आज, नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह दोदलिया है, छोटे छोटे टॉपिक पर कभी कभार बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। मुद्दा ये कि आम राजपूत एक जिला, एक तहसील, एक गांव जो राजा के साथ में थे, राजा के भाई बन थे, राजा बहुत बड़ी होती है, हम उस विषय पर नहीं जा रहे, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी भाई बन की बात कर रहा हूँ, उनके रावणों की बात कर रहा हूँ, उनके छुट भाइयों की बात कर रहा हूँ। भैया आपने म्यूजियम बना लिया, आपने ट्रस्ट बना लिया, उन्हीं के बच्चे जब देखने आते हैं आप टिकट लेते हो, और दूसरी तरफ आप दूसरों को कोसते हो कि हमारा इतिहास सही ढंग से पेश नहीं किया जा रहा है, बॉलीवुड वाले बांड गलत तरीके से दिखा रहे हैं, एजुकेशन विभाग पर आप लाछन लगा रहे हो कि वो इतिहास में ये चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चीज पढ़ा रहे हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो, आप अपनी गिरवान में कब झांक के देखोगे? मैं संपूर्ण रॉयल फैमिलीज को कह रहा हूँ, एटलीस्ट आप एक विंडो क्रिएट कर सकते हो। बहुत बहुत सारे लोगों से इस विषय में मेरी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में ये लगा कि नहीं भैया, इस बात को मार्केट में लाना चाहिए। आप सबके लिए टिकट लेते हो, आप अपने लोगों के लिए टिकट ले रहे हो, जो आपके चार भाई हुआ करते थे, पांच भाई हुआ करते थे, आपके कुछ लोग हुआ करते थे जो आपके साथ में शुरुआत से लगे हुए थे, आपके लिए सर कटवाए, आपके लिए जुझार बने थे। आपने एक आदेश दिया, एक आदेश पर आदमी घोड़े पर चढ़ के लड़ाई करने के लिए चला जाता था और घर लौट के नहीं आया वो आदमी। उन्हीं के बच्चों से आप आज उन्हीं के फोटोग्राफ, उन्हीं के अस्त्र शस्त्र दिखाने के लिए, देखने के लिए पैसे ले रहे हो, और वो लोग क्या बोलते घर जाके, ये हमारे परिवार वाले हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे फोर फादर थे, हमारे दादू सा लगते थे, ये दादू सा के दादू सा थे। ये 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर किसी बड़ी सिटी से दूर जब कोई बाप अपने बच्चों के साथ में आता है, उन बच्चों को वो कहानियां सुनाते हुए गाँव में कि हमारे परिवार वाले ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, दादाजी के दादाजी ऐसे थे, और जब आप टिकट लेते हो ना सबको लाइन में खड़ा करने के बाद, उसके मन में क्या आता है, उस बच्चे के मन में ये आता है, ये मेरा परिवार था, यही मेरे बुजुर्ग थे जिनकी फोटोग्राफ देखने के लिए, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे लड़ाई लड़ी, ये चीज समझने के लिए, जानने के लिए मेरे को अपने ही लोगों के लिए, जिनको हम आज रॉयल फैमिलीज का नाम का दर्जा दे रखा है, उन्हीं को पैसा चुकाना पड़ता है। क्या हम उनके लिए एक विंडो क्रिएट नहीं कर सकते कि भैया जो पांच भाई हैं, सात भाई हैं, आठ भाई होते थे, छुट भाई आते थे, सबको अलग अलग रियासतें दी गई थी, लेकिन कम से कम उनके रिलेटेड जो लोग हैं, एक जाति प्रथा के नाम पर अगर कहीं किसी का, किसी जगह का राजा शेखावत है, तो शेखावत में जितने भी लोग होते थे उनको आईडी कार्ड के तौर के ऊपर भैया फ्री करो चीजें देखने के लिए। अगर किसी जगह का राजा राठौर था तो उसको फ्री करो, वहां पर उसके जितने भी भाई बंद आते, एटलीस्ट वो चीज अपना कल्चर तो जाने। आप विदेशों से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, उनसे पैसा लो, कौन मना कर रहे हैं? राजस्थान से बाहर से जो आ रहे हैं लोग, उनको, उनसे पैसा लो, कौन मना कर रहे हैं? आपने क्या किया, आपने अपने ही लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। ये मुद्दा बात करने का, आप सोचिएगा, विचारिएगा और समझिएगा कि ये एक्चुअल में बात क्या है। शायद हो सकता है मेरे कहने का अर्थ अलग निकले, या मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, या फिर आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन छोटी सी बात, हम अपनी चीजों को देखने के लिए अपने ही लोगों को पैसा नहीं देंगे। वो हमारी चीजें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम जब चाहें तब उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, जब चाहें तब उनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, जब चाहें तब उनके अस्त्र शस्त्र देख सकते हैं। हमारे लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ये आम राजपूत की कहावत है, आम राजपूत का वचन है, बोल है उसका, जो आज वो महसूस कर रहा है अपने रॉयल फैमिली के लिए। मिलते हैं जल्दी
एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।